नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर में असिस्टेंट ग्रेड 3 यानी कि AG3 की वैकेंसी आने वाली है। ये वैकेंसी कब तक आएगी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, कितनी वैकेंसी आएगी वो भी दिखा चुका हूँ। इस वीडियो में भी आप लोगों को वैकेंसी दिखा दूंगा कि कितनी वैकेंसी आएगी। बाकी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को कितनी सैलरी मिलती है असिस्टेंट ग्रेड 3 में, तो सैलरी के बारे में इस वीडियो में अपडेट दी जाएगी कि जब आप लोगों का सिलेक्शन AG3 की किसी भी पोस्ट पे हो जाएगा तो आप लोगों को कितनी सैलरी मिलने वाली है। आप लोगों को एक सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा और कितनी वैकेंसी है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोगों की वैकेंसी डिटेल है। जो असिस्टेंट ग्रेड 3 आता है ये आप लोगों का कैटेगरी 3 के अंडर में आता है। इसमें जो टोटल FCI के अंडर में सेंक्शन स्ट्रेंथ है 27,330 है और इस समय जो वर्किंग है 18,877 है। और जो आप लोगों की वैकेंसी आएंगी टोटल कितनी आएंगी, 8,453 वैकेंसी आएंगी यानी कि 8,453 वैकेंसी आने वाली है। और लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी अप्रोक्सीमेटली 5,000 के आसपास थी, 5,000 वैकेंसी आई थी। इस बार वैकेंसी बढ़कर आएगी, 5,000 से तो ज़्यादा आनी ही आनी है। उसके बाद कैटेगरी 2 जो मैनेजर वगैरह होते तो इनके भी लगभग 650 वैकेंसी हैं, तो 400-500 इनकी भी वैकेंसी आएंगी। सर वैकेंसी कब तक आएंगी, तो वैकेंसी आप लोगों की नवंबर के आसपास आ जाएगी, जो दिवाली का फेस्टिवल है तो उसी के आगे पीछे नवंबर के आसपास आप लोगों की वैकेंसी आ जाएगी। मेरी बात भी हुई है, जो दिल्ली हेडक्वार्टर है FCI का वहाँ पर मेरा एक कैंडिडेट है, जानने वाला मेरा फ्रेंड है, तो उससे मेरी बात हुई है। वो भी कह रहा है कि सर वैकेंसी आने वाली है जल्दी, वैकेंसी की जो भी डिटेल्स निकल कर आएगी मैं उनसे बात करता रहूँगा, कॉन्टैक्ट में रहूँगा, तो जो भी डिटेल निकल कर आएगी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, तो चलिए अब लोग हम सैलरी स्लिप देख लेते हैं। तो ये एक सैलरी स्लिप है FCI के ऊपर लिखा है आप लोगों का FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और पे स्लिप यानी वेतन पर्ची, और ये कब की है, जुलाई 2024 की है, मीन्स पिछले महीने की लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, और ये दिल्ली हेडक्वार्टर की है, जिससे मेरी बात होती है उसी की सैलरी स्लिप है ये, दिल्ली हेडक्वार्टर की है। तो दिल्ली में देख लेते हैं इस समय FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 की कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या अलाउंस मिलते हैं। डेजिग्नेशन क्या है, असिस्टेंट ग्रेड 3 है, ग्रेड पे कितना रहता है इसका, 28,200 रहता है। उसके बाद ये किस सेक्शन की, किस कैटेगरी की, अकाउंट्स की है, जैसे आप लोग का डिपो है, अकाउंट्स है, जनरल है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, JEE मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, तो उसी तरीके से एक डिपार्टमेंट आता है आप लोगों का अकाउंट्स। इसमें आप लोग की बीकॉम मांगी जाती है, क्या मांगी जाती है, बीकॉम। और ये कितने दिन की सैलरी, 31st day यानी 31 दिन की सैलरी है। तो इसमें देख लेते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है आप लोगों का, किस तरीके से सैलरी कैलकुलेट की जाती है। जो आप लोगों का 2800 ग्रेड पे रहता है इसका जो बेसिक रहता है आप लोगों का 28,200 रहता है, यानी कि ये बेसिक होगा 28,200 ये बेसिक है। उसके बाद इस बेसिक पर आप लोगों को भत्ते दिए जाते हैं, अलाउंस दिए जाते हैं। उन्हीं में से जो सबसे पहला भत्ता आता है ये आप लोगों का DA होता है, डियरिंग अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, ये 50% होता है जो भी बेसिक होता है। तो ये कितना हो गया, 12,493। उसके बाद आप लोगों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, HRA होता है, तो HRA कितना, 7,614 है। ये आप लोगों का डिपेंड करता है कि किस सिटी में पोस्टिंग है, X सिटी है या फिर Y सिटी है या फिर Z सिटी है। 10, 20, 30% इसका बेसिक का, इस हिसाब से आप लोगों का ये चीज़ कैलकुलेट की जाती है। तो HRA कितना मिला है, 7,614। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,692। उसके बाद हाउसकीपिंग अलाउंस दे रखा आप लोग को 2,820। इंटरटेनमेंट अलाउंस, देखिए आप लोग को इंटरटेनमेंट अलाउंस भी दिया जा रहा है 1,692। डोमेस्टिक अलाउंस ये आप लोग का 1,410 है, और लंच अलाउंस यानी खाने पीने का जो पैसा है वो भी दिया गया है 1,410। देन आप लोग का DA एरियर है 510 इस कैंडिडेट्स का। तो जो ग्रोथ सैलरी निकल कर आती है FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट सेक्शन में, ये निकल कर आती है 57,841। तो ये ग्रोथ सैलरी है आप लोगों की। फिर इसमें कुछ डिडक्शन होते हैं, तो क्या क्या डिडक्शन है वो भी देख लेते हैं। 70 रुपीज़ ये है आप लोगों का कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, बिलो फंड रिकवरी 30 रुपीज़, ये मेरा भी कटता है आप लोगों का। CPF डिडक्शन 4,883 रुपीज़, और जो आप लोगों का टोटल डिडक्शन हुआ है ये वो आप लोगों का 6,047। फिर CPF डिडक्शन 60, 69 एरियर डिडक्शन है। तो जो ग्रोस डिडक्शन हो निकल कर आता है ये आता है आप लोगों का 61,616 रुपये, कितना, 61,116 रुपीज़, यानी कि 6,116 डिडक्शन हुआ है।
57,000 में से जब 6,000 डिडक्ट हो जाएंगे तो जो ग्रोस सैलरी निकल कर आएगी, ग्रोस इन हैंड सैलरी होगी, या आप लोग का नेट पेमेंट है, इन हैंड सैलरी बनकर आई आप लोगों की 51,725 रुपये। तो 51,725 रुपये आप लोगों की सैलरी है जो इन हैंड मिलेगी, जो भी FCI में असिस्टेंट ग्रेड पद पर सेलेक्ट होंगे लेवल 5 में। अच्छी खासी सैलरी है, एक एवरेज सैलरी है। तो सिर्फ इसलिए बनाई गई है वीडियो ताकि आप लोग को मोटिवेशन मिले, जो भी वैकेंसी आने वाली है नवंबर में उसके लिए आप लोग तैयारी करें, हाई स्टडी के साथ जुड़े रहे, जहाँ से आप लोगों को फ्री में PDF कंटेंट सिलेबस सारी चीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, जब तक आप लोगों की रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा, और सारी जानकारी असिस्टेंट ग्रेड 3 की हम लोग देखेंगे। कोई भी आप लोगों का अगर डाउट रहता है इसी 3 के लिए आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।